हेलो। सर, आज का जो कार्यक्रम थे बात उसके बारे में बताया। देखिए, पार्टी अपना प्रति विधानसभा जनसंपर्क अभियान चला रही है, क्योंकि अभी नॉमिनेशन शुरू नहीं हुई तो मैं भी इस प्रयास में हूँ पूरा हल्का अपना कवर कर लूँ चुनाव से पहले, कि फिर और प्रदेश के अलग अलग विधानसभाओं के अंदर भी हम मिलकर टाइम दे पाए और चंद्रशेखर के साथ प्रत्येक गांव को, प्रत्येक शहर को, 90 के 90 विधानसभा को दोनों पार्टियां मजबूती के साथ पहुंचने का काम भी करेगी और पहुंच कर हरियाणा प्रदेश के अंदर युवा शासन लाने का। सर, उदयवान ने एक बयान दिया आज की जमानत जब्त पार्टी और दोनों की जमानत जब्त होगी, तो इसके बारे में उदयवान जी अपनी सोचे और हिम्मत है तो फिर होटल विधानसभा से अपना नॉमिनेशन के लिए कांग्रेस में आवेदन लेके टिकट भी ले। हमारी ना सोचे कि किसका के होगा। आज कांग्रेस के मुंह पे जेजेपी निकलना, बीजेपी के मुंह से जेजेपी निकलना, ये घबराहट उन पार्टियों की है। माहौल बनना शुरू हो चुका। पिछली बार भी 15 दिन में प्रदेश में माहौल बना था और हम 10 सीटें जीते थे। आज तो हम एडवांस हैं, 30 दिन बचे हैं। 30 दिन में तो बेरानी कितनी सीटें हम ले आएंगे और पहले से ज्यादा मजबूती के साथ प्रदेश में। सर, वीरेंद्र सिंह ने बयान दिया है कि जो दोनों पार्टियां गठबंधन ज्यादा समय तक नहीं टिक पाएंगी। आप वीरेंद्र सिंह जी के मुंह पे माइक लगा के पहले ये पूछ लो जी, 4 साल और 6 महीने आपको गला फाड़ते हुए हो गए कि दुष्यंत उचाणा से नहीं लड़ेगा। अब वो लड़ रहा है, आप क्यों घबरा रहे हो? हमारा गठबंधन रहे, मजबूत रहेगा और आगे चले। उनको घबराने की जरूरत नहीं है। वो ये सोच ले कि अभी तो उनको जनता को ये जवाब देना है कि उनके बेटे ने किसान आंदोलन में ट्रैक्टर रैली निकाली। उनका बेटा ही था पार्लियामेंट का सदस्य जिनने किसान आंदोलन के जो 3 बिल थे उन पे वोट दी। जनता ने तो अभी जवाब मांगना है। वो ये सोचते लोकसभा का नहीं लड़े तो जनता जवाब भी नहीं मांगेगी। जनता तो पूरा जवाब भी मांगेगी और जवाब देगी। सर, अरुण विज ने कहा कि जो गठबंधन है वो कटी पतंग की तरह है, इसमें कोई दम नहीं। विज साहब तो अपनी कटी हुई टिकट बचा ले वो बहुत है। पतंग तो कटी हो दोबारा डोर से डोर जुड़ जाती है और ऊंचाई पे चली जाती है, टिकट कट जाती है, 5 साल इंतजार करना। सर, दीपेंद्र हुड्डा ने वोट काटो कहा कि दोनों दल वोट काटो। कांग्रेस के मन में घबराहट सिर्फ जननायक जनता पार्टी की है। ये तो दोनों मिलके चुनाव लड़ते हैं। इस बार का राज्यसभा उदाहरण है और ये राज्यसभा नहीं, इनने तो इसी तरीके से आज से पहले 12 राज्यसभा चुनाव है। कांग्रेस एक क्यों जीत पाई जो दीपेंद्र लड़ा, बची क्यों आ रही? वो इसलिए आ रही कि इनकी सेटिंग हमेशा से बिल्कुल है।